अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर एक समय दो सेठ थे दो भाई थे वो और छोटे भाई के दो पुत्र थे वो छोटे भाई की मृत्यु होगी अब उनके सामने बच्चे थे वो सत्रह अठारह सोलह सत्रह वर्ष के सामने समस्या आ गई कि बिजनेस कैसे करेंगे बालक उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊजी के साथ बिजनेस कर लो उसका हिस्सा कर लो पार्टनरशिप कर लो पैसे तो मेरे पास है नहीं बेटा ये तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं इन लालों को अपने ताऊ जी को दे दो और ये कहीं इनको रख लेंगे गिरवी रख करके उधार ले लेंगे पैसा वो बच्चे अपने ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उसने कहा ठीक है बेटा मेरे साथ कर लो फिर उन बच्चों ने कहा कि मेरी माता कह रही है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं मेरे पिता के समय के कुछ लाल हैं उनको आप रख लो यू कहकर वो लाल सामने रख दिए ताऊ जी के तो उस सेठ ने देखा क्या बेटा ठीक है इनको बांध लो अच्छी तरह तेरी मम्मी को दे आओ और कहना उसको सुरक्षित रखे फिर समय आएगा तब तो ले लेंगे आवश्यकता पड़ी अभी तो मेरा उधार चलता है चलो मेरे साथ तुम्हारा हिस्सा कर लेता हूं बच्चों ने सोचा ठीक है भाई लाल हमारे पास है पैसे की कमी है ही नहीं अब उन दोनों पुत्रों को दोनों बच्चों को भाई वालों को लेकर अपने उस शहर में गया जहां से वो सामान लाता था एक पचास हजार का सामान खरीद लिया लाला जी से सौदा कर लिया और उसको बोल दिया कि मैं बच्चों के हाथ अभी आपके पास लाल भेजता हूं उनको गिरवी रख लेना वो सेठ अपने लाल लिए हुआ था अलग से और वहां धर्मशाला में रुके हुए थे उसी शहर में दोनों बच्चों से कहा बेटा जाओ उस सेठ को ये लाल दे आओ जिससे हमने पचास हजार के सौदे की बात की है अक अच्छा उजी। वो दोनों बच्चे वो लाल लेकर सेठ के पास गए और कहा सेठ जी लो ये लाल रख लो हम ये आपके पचास हजार रूपये दे जाएंगे अपना लाल वापस ले जाएंगे सेठ ने एक जोरी बुलाया पारख उससे कहा कि भी देखना ये लाल असली है या नकली अब उस जौहरी ने बताया कि ये तो लालड़ी है लाल नहीं है लाल तो होता नौ लाख रुपए का उस समय और लालडी को नहीं दो सौ रुपये की भी यानी डुप्लीकेट लाल समझो सेठ ने फेंक कर मारी गली में और कहा कि तेरे ताऊ जी अब इतने धोखेबाज हो गए हमारे साथ धोखा करने आए थे मैं कभी मना किया उसको उधार भी वैसे भी ले जाता था इला अडी ये मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी क्या बेईमान आ गया तेरे ताऊ में ऐसा आदमी तो नहीं दिखा था अब बच्चे सेम गए घबरा गए और उस लाल को उठाकर ताऊ जी के पास आए और कहने लगे ताऊ जी वो सेठ तो बड़ा निकम्मा आदमी है हमारे लाल को गली में फेंक दिया उसने एक व्यक्ति बुलाया उसने उसको नकली बता दिया लालड़ी बताई और उसने बाहर फेंक दिया और कहने लगा तेरे ताऊ जी ऐसे आदमी तो नहीं दिखे थे धोखेबाज आज कैसे नींद खराब होगी उनकी है लालड़ी दे दी धोखा करे मेरे साथ तब उस ताऊ जी ने कहा सेठ ने कि बेटा सचमुच ये तो लालड़ी है ले अरे धोखा लग गया बेटा लाल तो ये दूसरी जेब में था ले ये देखा उनको देख रहे भाई कितना अंतर दोनों में हाँ है ना फर्क कहा जी जो तो बहुत अंतर है ले ये देख आओ अब वो उस लाल को लेकर चले सेठ के पास पुनः आए कि सेठ जी ये देखो कैसा है उसने फिर जोर ही बुलवाया उसने आते बता दिया हाँ ये है लाल ओके है तो तब उस सेठ ने कहा देख जिससे उधार ली थी देख देख बच्चो तुम्हें आंखें हो तो ऐसा होता है लाल अब कहने का भाव था कि फिर वो बच्चे आए वापस उस ताऊ जी ने तो उन बच्चों को लाल और लालडी की परख करानी थी दोनों बराबर कह सारी बात यह थी सेठ जी अपने बच्चों को लेकर भाई वालों को सामान लेकर के वापस आ गया झाद से घर आके अपने उन बच्चों से कहा बेटा ऐसा करो वो तेरी माँ के पास लाल रखे ना हखा जी उनको ले आओ किसी का उधार है वो दे देंगे और फिर छुड़वा लेंगे अपनों को अखा अभी गए ताऊ जी वो बच्चे भागे गए अपनी माँ के पास माँ ने कहा आगे बेटा अका आगे माता जी हका जो रोटी खाओ भोजन पाओ बच्चे कहने लगे रोटी पा पीछे खाएंगे पहले वो लाल दे माँ जरूरत पड़गी ताऊ जी ने उनकी अगले बेटा नो के नो रखे सुरक्षित उठा के दे दी पोटड़ी माँ ने अब बच्चों ने सोची लाल है कि लालड़ी परखते कर ले वह गठड़ी उड़े खोल ली वो पोटड़ी में धर रहे थे और वो तो सारी लालड़ी थी बच्चे कहन लगे माँ इन मत लाल एक भी को नी तो माता जी कहन लगी बेटा मुझे तो पता नहीं मैं तेनो पिताजी के समय के रखे हैं वो कहीं लाल होंगे अक नहीं ये तो लालड़ी है लाल तो नौ लाख रुपए का होता है अरे तो दो सौ रुपये की भी को माँ उड़े पटक दी ठाक है तू तो भी बड़ी बोली है तो बच्चे दोनों वापस आए और कहन लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना बोली बाली है बिल्कुल उसको पता को नहीं लाल कोनी वो तो लालड़ी थी सारी की सारी लालड़ी है एक भी लाल नहीं उनमें तो तब वो ताऊ जी कहता बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ये उस दिन भी लालड़ी थी और जब मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल है। त्रीमानू कहती कि मेरे सिर पर दड़ी नहीं हज इनका बाप कोनी हमारे तेरा लाला ने भी लालड़ी बतावा इसका ताऊ जी तो बेटा आज तुमको मैंने इस योग्य कर दिया कि अपने लाल और लालड़ी को तुम स्वयं परख लोगे तो इस आधार से वो सिख बच्चा उस जन्म साखी नानक देव जी की लेकर आया और बताया जी आप जो बताते हो सचमुच ये नाम है सतनाम और ये लिखा इसके अंदर नानक जी ये मंत्र जाप करते थे और दास ने तो पहले ही शुरुआत से इसी से कर रखी है ये तो प्रमाण तो वेदों में गीता जी में और गुरु ग्रंथ साहिब में ये तो बाद में सामने आए हैं पहले हमारा वेरी सटार्ट से ये जो की तो प्रोसेस है जो आज अन्य सदग्रंथों ने और महापुरुषों के उन एफिडेविटों ने आज समर्थन कर दिया कि जो साधना दास शुरू से दे रहा था वो आज तक नो की नो फाइनल है वो सच साधना है। अब पुनात्मा आदनीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ जाखी वे कबीर की नान की ती वह सिखा के गड़पड़ीब कौन छुटावे था अब या ईब छूटेगी अब दास ने एक सिख बच्चे के सामने ये वाणी बोल दी मिलने आया हुआ था दशिल पंक्ति में भाई तो लगा जी हमारी तो छूटगी और कोशिश और की भी करेंगे छुटवाण की या वा। तो कहने का भाव यह कि ज्ञान से ये सब जो हम पहले साधना करते थे वो छोड़नी पड़ेगी और सत साधना करने से ही हमारा कल्याण होगा वही हम अपनाएंगे तो प्रसंग है कि ये लोक ऋण का नहीं है या कोई भी वस्तु सथाई नहीं है परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े है ये धर अंबर कैलाश ये कृत्रिम झूठ है तुम सुरत समो श्वास इस सतनाम के सिमणत श्वास यानी प्राणों से श्वास से इसका सिमरण होता है और सतनाम जिसको आदि नाम कहते हैं वो भिन्न है उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई वैसे तो सभी महापुरुषों से ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी आदेश दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये आदि नाम सार नाम की तबार ना सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचड़ी पीढ़ी हंसनी तरही और फिर कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई यथार्थ ज्ञान तो मैं तुझे बता रहा हूं ये भी अभी बाहर ना पड़े तभी तय राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले उई बोल रहे हैं वही सतलोक वही सतना सबदनाम क्या चीज है इनके सारी उम्र में इसमें तो मैं डेढ़ सौ बरस हो गए घाटा जोड़ रहे इसके ऊपर और सतनाम वो अनमोल धन है जिससे मोक्ष होगा उसके आस पास भी नहीं पांचों नाम काल के हिसाब कर रहे हैं और करवा रहे हैं ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली शास्त्र ज्ञानहीन गुरुओं ने शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा के सारे भूत बनवा और क्या कथा सुनाते हैं कोई पूछता है इनसे जी सराद करने से क्या लाभ है कहते हैं एक बार श्री जी ने बनवास में थे और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था उनके सारे पूर्वज खड़े दिखाई दिए वह दिखेंगे तुमने सारे भूत बनवा दिए उल्टी साधना करवा के और से स्वर्ग में जहाँ थे वह सारे भूत बने खड़े वहां पर पुणात्मा अब आप परमात्मा ने सबसे पहले तो अक्षर ज्ञान युक्त किए और फिर परमात्मा बता ने बताया था कबीर साहब ने कि हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए जैसे इन संतों की वाणी में है नानक साहेब जी की वाणी में है कि बावन अक्षरों के अंदर जो तुम्हारे इस परमात्मा की वाणी से पहले जितने भी ग्रंथ थे वेद गीता जी पुराण उपनिष्त और ये सुधा सागर जो भी थे परमात्मा ने ये कहा था तुम्हारे ये सभी के सभी ग्रंथ इन बावन अक्षरों के अंदर लिपिबद्ध है लेकिन वो मंत्र जो हम लाए हैं सतलोक से ये मंत्र तुम्हारे इन बावन अक्षरों के लेख में नहीं है और ये उसका अन्य ही अर्थ लगाते हैं बावन अक्षरों से कि वो तो बावन अक्षरों में नहीं है वो तो बस धुन है वह धुन बावन अक्षरों में नहीं है छत्तीस जगह लिख रखी इतनी धुन होती है इस प्रकार की होती है तो कहने का भाव ये था कि सो हम शब्द हम लाए और सार नाम हमने अब भी गुप्त छुपाए अब इस दास को प्रमेर करी सार नाम मतलब सार नाम दे तो उन महापुरुषों को भी दिया था उनको तो कहा था इसकी तुम जिक्र भी ना करना सार नाम की ततनाम अपना फीडेट रूप में अवश्य लिख देना सभी महापुरुषों ने लिख रखा है आदनीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थिर हो राम नाम का जाप करने से थिर माने सी स्थान प्राप्त करोगे आवाद गवन जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा और वो कौन सा है राम नाम कौन सा हो राम का नाम ओम सोहम मंत्र दोई तो जी दया नंबर सत्रह के श्लोक तेईस में कहा है कि उस सचिदानंद गंबरम के पाणी का ओम तत्सती निर्देश ब्रह्मण तिरवेद है ब्राह्मणा तेन वेदा से विता पुरा य तो कहते हैं उस सचिदानंद गण के पाणी का इस तीन मंत्र की मजदूरी है ये साधना है ओम तो ये ब्रह्म का काल का और जो दूसरा मंत्र तत् है वो सांकेतिक जो दास आपको बताता रहता है ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है वो अक्षर पुरुष का है और तीसरा मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष का है वो सार नाम है अब सतनाम का अपने सतर का काम है सार नाम के बिना ये दो मंत्र का जाप भी व्यर्थ है जैसे कबीर साहब ने कहा कि जप मरे व्यर्था जन्म गवाया और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में जड़ने लगे सोहम को जैसे तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सो हमसे जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा जैसे ये धन धन सतगुरु वाले कुछ चतुरता दिखाई इन्होंने अकाल मूर्त राम सतपुरुष ये तीन मंत्र अलग से जाप के शुरू कर दिए इन्होंने क्योंकि इनको किसी ने टोक टाक दिया होगा कि तुम तो काल के जाप करते हो बात करो सतलोक की ये रंगकार ओंकार ज्योत निरंजन और ये सतनाम वगैरह कहते तो सारे काल के जाप हैं तो इन्होंने ये तीन मंत्र का जाप शुरू कर दिया कोई ये ना कहेगा तुम काल के जाप करो हो <laughs> कोई बात भी बड़का खेल बना रखे नहीं सी अनमोल जी उनको बर्बाद कर रहे हैं अब क्या है अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुख ये तो एक परमात्मा की उपमात्मक मंत्र है सतपुरुष का अर्थ भी सत माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो पुरुष माने परमात्मा अकाल मूर्त भी वही जिसका काल कदे नहीं साकार परमात्मा का शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड नहीं होता उसका नाश नहीं होता वो वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा तो उस अकाल मूर्त स्वरूपी राम और सतपुरुष कि ये ऐसे कहने से नहीं मिलेगा जैसे जल पानी नीर जल पानी नीर कहता रहे उस जल पानी जल को चे पानी कह से नीर कह लो एक ही बहुत है उसको तो हमने प्राप्त करना है वो कहाँ है पृथ्वी के अंदर है पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें तो उसके लिए प्रोसेस अलग है प्रोसीजर नहीं आ रहा है लगाना पड़ेगा तो ये सतनाम समझो अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ना साथ ये तो समझ ले जो पाइप पुप खरीद के लेनी है इस खातिर और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है वो सतनाम है वो बोकी मारनी है जैसे बोकी मारी मिट्टी बार फेंकी फिर मारी फिर बरगी फिर बार फेंक दी तो ऐसे उस बोकी के श्वास श्वास से ये बोकी मारनी अपन और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक अब सतनाम का काम होया पूरा लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई यदि हैंड पंप नहीं लगा ऊपर मशीन नहीं लगी तो पानी तक तो पहुंच गई पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने वो पाइप पहुंच गई लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंड पंप नहीं लगाया जाएगा और हैंडपंप की भी फिर सेवा करनी जाप करना यानी उसको हिलाना है तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा तो ऐसे ही ये सतनाम के दो अक्षर का मंत्र श्वास श्वास की बोक्की मारनी पड़ेगी तुमने और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सारनाम का और तब मिलेगा आपको वो परमात्मा ये प्रोसेस जा परमात्मा के पाने का तो पुणात्मा प्रसंग चल रहा है कि हम जा रह रहे हैं। ये लोग ठीक नहीं उसके लिए मालिक बताते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम एक पलक में बिराजी जमक पड़े जंजीरम मन तू सु सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे परमात्मा कहते हैं तुम यहाँ झूठी इस प्रभुता के भूख में सारा जीवन नाश कर जाते हो जैसे कोई व्यक्ति कोई राजनीति की एक ललक लग गई कोई चसक लग गई तो सोचता है पहले तो कोई सरपंच बन जाऊं सरपंच बन गया ने सोचा चेयरमैन बन जाऊं चेयरमैन बन गया तो ने सोचा एमएलए बनो जब बात बने एम एल बनते ही ने सोचा मंत्री का दाव लगे तो कुछ बात बनी ना तो व्यर्थ और मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बने बिना तो बात नहीं बनती अब भी अधूरा काम रह गया मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके मन में यह आती है प्रधानमंत्री बनो जब बात बने इतने इसकी टिकट ले फिर काल बनाओ इसकी बात गदा बना के सैर से पट्टे करवाओगे इस पर तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की आपकी जो महिमा है ये यश है ये यूजलेस है और काल का जाल है जैसे पहले कोई बड़े अच्छे नेता हुए हैं वो अच्छे काम थोड़े बहुत जो तो कर गए अच्छी बात है जनता के लिए लेकिन अपने लिए क्या किया उन्होंने अपने लिए तो कुछ भी ना किया अपने लिए भी करते और जनता का भी हित करते क्योंकि उनको पास पावर होती है तो अब क्या कितना अच्छा काम कर गया उसका कितना स्टेचू बना दिया मूर्ति और उसका कितना काम है एक साल में उसके जन्मदिन पर जाके उसने मांज दो के और एक माड़ा डाला हुआ और दस एक घंटा उसके गुण गाया हुआ साल बहुत अच्छे पहुंचे हुए की बात है तो और सत सतभक्ति करने से वो अपने ही उस मूर्ति का ऊपर काग कौवा बनकर का बीट कर रहा हो सर से पट्टे कर रहे हो तो कहने का भाव है परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ऐसा सुख का सागर क्या है संखो लहर बेर की उपज कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई ही के जहाँ पर शंखों लहर मेहर की उपजें और कहर नहीं जा कोई पुनात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसा होता है जब एकांत में बैठा होता है एक ऐसी ही लो रहती है अंदर से दुश्मन भी कोई हमारा कोई बुरा भी किया हुआ किसी ने पहले तो थोड़ा बहुत दुख होता है उसका लेकिन उस समय वो दुख भी नहीं रहता सब अपने से लगते हैं तो नुचा कर भी उसके उस समय किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आता तो वो मेहर की लहर थी यानी सब पर एक किस्म का मेहर रजा, दया की भाव बन जाता है तो कहते है ऐसी, ऐसी आदन्य गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा से परिचित तो होकर उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से बताया है कि संखोल लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई सुख का सागर सतलोक और कहते हैं जैसे वो एलोर थोड़ी देर रहती है उसके बाद फिर वो कहर की लहर वो नहीं हुआ वो ऐसे रह गया वो फलाना हो गया ऐसा हो गया वो कहर की लहर आ गई हमारे अंदर तो कहते हैं वहां शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई वो सतलोक है सुख का सागर फिर क्या बताते हैं उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन चुनकर इसी ईश्वर कल्प किया तब खोज न पाया राई ही मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा या सर जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे सार्वभौम उसका राज्य था और चुणक ऋषि ने उसके उसका सर्वनाश कर डाला कितने ठाठ बाठ थे पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी और ऐसा काल ने घटना घटा दी पूरी सेना मार दी गई और कंगाल हो गया जैसे सर्व सोने की लंका थी वो राउंड से रणधीरम में परमात्मा में याद दिलाते हैं जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक का तरफ रहे भगवान बच्चे हो मेरा संतान प्राप्ति हो और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं पुत्र हो बस न मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो उसकी गति नहीं हो कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके सराध निकाल लेगा उन्हें पता पेट भरो ने बेटी तो ब्या जाएगी तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है पुत्र होगा तो तुम्हारे तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उस वो मूर्खता बना रहे थे न्यू लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं तो कहने का भाव ये परमात्मा हमें याद दिलाते हैं एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवानुबाती क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई ये देखते निर्णय चला जग जाई आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो सर्वासोन्यों की लंका थी एक लख पुत्र नाती यानी एक लाख पुत्र थे सवा लाख रिश्तेदार थे और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बच्चा सारे हुए भी गए यहाँ भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर और इनसे मन हटके चले परमात्मा जो देता है बेटा दो या बेटी सबर करे मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है क्या बताते हैं जन्म तन हो कुछ ना हाथ लगे खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे कोटि जन्म तू राजा की न्या मिट्टी न मन की आशा विक्षक होके दर दर घूम्या मिलान न निर्गुण इंद्र कुबेर ईस की पद भी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विश्वनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया असंग जन्म तन मृत्या हो गे जीवित क्यों न मर रे द्वादश मद महल मठ बोरे बोर न दे धरे रे दोजिक भिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया तीन लोक से तिरपत ना ही ये मन खसिया सतगुरु मिले तो इच्छा पद पदे समाना। चल हंसा लोक पठाऊ जो आद अमर स्थान चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी आदनीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में जहाँ वो गौ चरा रहे थे दस वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली ग्वाले थे तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रही थी सतलोक से आकर उतरे ऐसे चलते दिखाई दिए बच्चे वहां खाना खा रहे थे तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े, बड़े पाली थे ग्वाले और सबसे छोटा गरीब दास जी थे बालक दस वर्ष का सभी ने प्रार्थना की महात्मा जी भोजन पालो भोजन पालो आजो बैठो परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में के बच्चों भोजन तुम अपने गांव में खा कर आया हूँ आपका गांव कौन सा है पालियों ने पूछा कि सतखंड सतलोक है मेरा गांव इतनी दूर है यहाँ से सोलह संख कोस की दूरी पर बच्चा ने सोचा सोलह कोष होगा कह लगे बाबा जी इतनी दूर से चल कर आए हो कुछ तो खा पी लो हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में रा चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे रोकते थे भाई सफर लंबा है कुछ देर रेस्ट कर ले कुछ खा पी ले फिर चला जाना तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना तो मतलब कुंवारी गाय का पी करू दूध कुंवारी गाय का दूध पीता हूं तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े को पचास वर्ष का को तीस को चालीस वर्ष का वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना कराया करते आप मजाक करते हो कुरी गाय दूध देती है भाई देख लो दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं तो गरीब दास जी लाए एक बछिया पकड़ के सौ डेढ़ सौ गाय वहां चल रही थी गौए कु बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था डेढ़ वर्ष की आयु की और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं दूध कैसे देगी जैसे बालक बोला करते हैं परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का कहा जी ये छोटा सा पाँच सात किलो का वो घड़ा था छोटा दो मांझ कर रखा हुआ था कह लगे इसको यहाँ रखो इसके नीचे कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थप -थपी मार दिया आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया उसी में लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकली चारों स्तनों से जब वो पात्र भर गया गरीबदास जी लेकर आ गए ले महाराज जी पी दो आपने निकाल लग परमेश्वर ने पिया शेष छोड़ दिया बोला परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो ये ये अमृत है ये सतलोक से आया है मेरे गांव से अब वो पाली कह लगे हम ना जादू जंत्र का तो के मेरा किस जाति का कर दिया इब तक बिल्कुल ना पीवा वो तो उठ कर चले गए वो नो भी डर गए मेरा निकी सा जादूगर है बच्चिया का दूध निकाल दिया गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दे दो आपका अमृत कैसे कब मिला यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नरपावना फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे पूरे सतलोक से सौर व्यवस्था से परिचित करवाए जैसे आदरणीय नानक साहेब जी को साथ लेकर गए थे ऐसे इन महापुरुषों को जिस, जिस जिस के आपको दास शुभ नाम गिनाता है इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी आदरणीय गरीबदास साहेब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था आठ दस घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में फिर परमात्मा ने आत्मा वापस बॉडी में भेज दिया एकदम खड़े हो गए चिता से अपने आप उठकर चल पड़े उसके बाद ये अमृत बोलनी शुरू करी थी मन तू चल रे सुख के सागर शब्द जागर कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लगारे कुकर सुकर लग रे उस आखो देखे सचखंड सतलोक को ऐसे वर्णन किया कि कोटि जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लगारे इस काल के जाल को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दास आपके सुनाना चाहता है आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग के अंदर यही आत्मा आत्मा राजा अम्बरीश थे राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े साधक थे पुनकर्मी प्राणी थे दयालु थे अब देखो पुणात्माओ परमात्मा की एक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि जो जन मेरी शरण है का मैं दास गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश फिर क्या बताते हैं स्वर्ग में जा पाताले कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल तो ये परमात्मा हमारे साथ पहले से ही थे हमें भ्रम था कि हम ये साधनाएं कर रहे हैं शायद हमें इनसे ला बुरा नहीं तो ये परमात्मा हमारे साथ रहते हैं कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भक्ति में लगा जाते हैं जैसे देव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तिरंत कर वो बहुत बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे राजा थे उनको भी आकर मिले थे प्रेरणा करके भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं ये राजपाठ दस दिन का है चाहे तुम लाखों वर्ष भी आई हो तुम्हारी तो प्रेरित होकर भक्ति कर लग गए थे जैसे भी वो तो अलग बात है कुछ तो मालिक के नाम पर लगता है उसका कुछ राह तो मिलती ही है लेकिन मोक्ष से वंचित रह ही जाते हैं तो ऐसे ही अम्बरीश राजा को परमात्मा मिले तो उसमें प्रेरणा तो होगी भक्ति की क्योंकि राजा भक्ति नहीं चाहता कभी भी वो तो सारी, सारा दिन व्यवस्था में सारे हैं, एक एक वचन में सब कुछ हल जा है सारी करता जो ना करण की होती है तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा है बोली आत्मा तू जो काम करने का भूल तो चुका है तो फिर अम्बरीश राजा की क्योंकि पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं तो वो भक्ति का लग गया लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया चलो वो भी अच्छी बात क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है पर मोक्ष फिर भी नहीं होता तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे सच्चे भाव से विनम्र भाव से दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं उनके सामने उनके फुकाड में कहते हैं घास भी जला करता था और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने ऐसी भक्त थे उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए राजा जनक शादी सुदा थे कई सैकड़ों रानियां थी हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी और फिर भी भगत दृढ़ भगत थे उनको भी परमात्मा मिले थे अक ये क्या कर रहा भक्त भक्ति बिना गुजारा नहीं तो उसको इतनी प्रेरणा हुई वो भक्ति जबरदस्त ढंग से लगा और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म ले लेकर आया था आकाश में उड़ जाता था तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उसे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी डाउन हो जाएगी तो फिर पशु बनेगा जाइए गुरु बनाइए तो कहने का भाव ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षिप्त में सुनाते हैं तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ अपने आत्माओं काल का जाल कितना बैंकर है राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए गौं दान करी ऋषि रिशी महर्षियों को एक जन्म करोड़ों गौं दान करी लाखों और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए भोजन भंडारे करवाए तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी तो विमान में बैठकर कर जावे थे परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर एक सिंह आसन चढ़ कर चले अरे बंदेजा जजीर एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे जाना तो सबने है लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है अब विमान में बैठ कर के राजा जनक जा रहे थे रस्ते में एक नरक आवा था उस नरक के अंदर बारह करोड़ आत्माएं जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे हाहाकार मच रहा था रुदन मचा रहे थे रो रहे थे राजा जनक ने जाज के पायलटों से कहा कि अभी विमान रोको उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है कहाँ से आ रही है पता करो उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं। और और ही है वो रो रही है राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो अब उन पारखदों ने बताया कि राजन अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है कह के धर्मराज से मेरी बात कराओ अब उनने संदेशा दिया धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक केन्द्र आत्मा इनको छोड़ दो तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है इन्होंने पाप किए हैं भोग रहे हैं तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यही छोड़ दो मैं नहीं जाता मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो या इनको भी मेरे साथ ले चलो इतने दयालु होते साधु संत अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट कि जी ऐसे करो आप अपने कुछ पुन इनके संकल्प कर दो इनको दे दो उस पुनों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं राजा जनक ने आव देखा, ना नाताव देखा दयालुता के कारण अपने फिफ्टी परसेंट पुन दान कर दिए तो उन्होंने बिठा के विमान में बताया ये तो एक होटल वाले हैं ये यहाँ का राजा यहाँ का भगवान थे उनको बिठा के दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए अपने आत्मा विचार करो हम कितने ठगे जा रहे हैं कहाँ भटक रहे हैं अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे बारह करोड़ उन आत्माओं के पास तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे स्वर्ग में उनका समय पूरा होता उन होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए पाप तो सेस उसके और उधर से राजा जनक को ठग दिया फिफ्टी परसेंट डिस्चार्ज करवा दिया वहीं पर उसका खत्म करवा दिया पुण्य अब वही आत्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलियोग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पर हिंदू परिवार में जन्म हुआ और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है और वो परमात्मा कहता है गोता मारू स्वर्ग में जा पैठो पाता ले। कहे कबीर ढूंढता फेरू अपने हीरे मोती लाल जो जन मेरी शरण है ताका हु साथ साथ लाग्या गया जब तक धरती आकाशी वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से फिर पर परमात्मा भक्ति पर लगा गए त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए कि इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे कितने दयालु हैं फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा पार करके छोड़ूंगा तुमको लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझ कर अब क्या बताते हैं कोट जनमत हो गे, कुछ ना हाथ लग रे कु हंस बुगारे कोटि जन्म तू राजा की नी न मन की आशा विकसक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा ऐसा भी साधक हुआ है कि जंग घर त्याग कर चला गया जंगल में वन में जा बैठा एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके उसको दो दिन दो तीन दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो भिगो कर खाता रहा लेकिन उस तप से उन साधनाओं से तू राजा बन गया फिर भिखारी बन गया फिर थोड़ा सी लाख योनियों में भटकता रहा तुझे ये वास्तव तत्व ज्ञान नहीं मिला कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा भिक्षुक हो दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रासा ये वस्तु तो नहीं मिली जिस कारण से कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म और विष्णु नाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक जन्म मृत्यु के अंदर फिर इनका फिर है ब्रह्म शर्पुरुष ज्योत निरंजन ये भी नाशवान गीता अध्याय नंबर दो श्लोक नंबर बारह अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर पांच और नौ में गीता अध्याय दो दस के श्लोक नंबर दो में ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता हूं तो ये ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है अब ये भी नाशवान और गीताजी दया नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में लिखा है कि दो पुरुष पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान हैं जीव आत्मा किसी की नहीं मरती जी दया नंबर पंद्रह के श्लोक सत्रह में कहा कि उत्तम पुरुष है अन्य परमात्मा युदारत है ये लोक चरम अवैश्य अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों पुरुषों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है वही वास्तव में अविनाशी है वही सबका धारण पोषण करता है सबका पालक है वही सबका जनक है तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है पुरुष ये ज्योति निरंजन है इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म ब्रह्म है इसके सात संघ ब्रह्मांड हैं, इसके अंतर्गत और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहेब है सतपुरुष है इस ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है असंग ब्रह्मंडो का स्वामी है ये वास्तव में अविनाशी भगवान है तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी यानी सुर का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से पुनक्षिण होते फिर नरक में भी गए चौरासी लाख योनियों में भटकते रहे इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा धर्म राया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में तो गीता टू नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर चार में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कभी संसार में नहीं आता वो है पूर्ण मोक्ष और गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है के अठारह श्लोक में, में और अठारहवें दह के छसठ में श्लोक में सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और वहां जाने के लिए तूने मेरे सतर के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी मुझ में छोड़ जा मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ और बाकी दो मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में जो दो अक्षर हैं वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है तो उस वो क्या करेगा हमारे को सात संगों से पार जाने का किराया है इसका इसका टैक्स दे देंगे हम दूसरे मंत्र तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सत्खंड सतलोक में सथाई स्थान देगा परमात्मा क्या बताते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गये जीवित क्यों नाम रह रहे और द्वा दस मत बोरे बोर ना दे दे रह रहे ये रहस्य था पर पुण्यात्मा अभी तक परमात्मा ने छुपा रखा था अभी तक दसवा द्वार दसवा द्वार पर घाटा जोड़ रखा थे वो सतलोक के गीत गाए और परमात्मा ने बताया वो तो बर्म स्थान जहां जाने के बाद वापस नहीं आते हर एक जम्मू के अंदर है एक कबीरपंथ थी उसने दिया। की त्यारवा द्वार पढ़ लिया कबीर साहब की वाणी में वो कहारिड़किया अंतिम द्वार है, तो है।, है और मेरे पास सबसे विश्व में किसी के पास नहीं वो ग्यारह द्वार मेरे पास है एक ग्यारह द्वार पर बात ना बनाए सारा प्रोसेस होना चाहिए उसके पास जब बात बनाए और वो तो द्वार मत मैल मत बोरे, बोर ना दे रह रहे वो तो बार में द्वार में है जैसे दसवां द्वार तो ये काल के लोक में ही खोल बंद हो लेता है एक ही ब्रह्मांड में और इसके 21 ब्रह्मांड भी एक ऐसे पैक्ड हैं चारों तरफ से उससे जब हम प्रब्रम के लोक में प्रवेश करते हैं वो है गर्मा द्वार गर्मा द्वार तो प्रब्रम के लोक तक जाने का हर वहीं तक रह जाएगा आगे नहीं सतलोक नहीं जा सकता तो फिर बर्मा द्वार है जो सात संग ब्रह्मांडों से आगे हमने सतलोक में प्रवेश करना है उस बर्म में द्वार को पार करके हम सतलोक जाएंगे तो यहाँ आदि गरीबदास साहेब जी बताते हैं द्वादश मध महल मठ बोरे वो महल वो मठ परमात्मा का जो सथाई स्थान है वो बर्म में द्वार के पार है द्वादश मध महल मठ बोरे ना दे रे वहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ता फिर क्या बताते हैं दोष्ट सभीत हैं। देखे राजपाठ के रसिया अब यहाँ के चक्कर में तेने नरक भी देखा स्वर्ग में भी चला गया और यहाँ भी राजा भी बन गया और फिर गदा भी बन गया बता क्या करे विधाओं का फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मदे समा चल हन सा उस लोक पुठाऊ जो आदि अमर असथान क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा बता रहे हैं जी बता रहे हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर के विषय में और सतलोक के विषय में और यहाँ के इस गंदे लोक के विषय में क्या बताते हैं कि सतगुरु तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना यानी कोई संत सतगुरु मिलेगा तो यहाँ से आपकी इच्छा हटावेगा इन नकली इन काल की भांग के आधार पर जूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो कबीर साहब कहते हैं जूठे जु, सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। तो क्या बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे है। जैसे आपको बता कोई चेयरमैन बन जाता है तो एम बनने की चेष्टा करता है एम बन जाता है तो इन सोचे मुख्यमंत्री बनू मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती इसकी कति नौके प्रधानमंत्री बनो जब आनंद इतने गदा बन जा मृत्यु हो जा अब जो काम करना था उसका उसके तो स्टार्ट भी नहीं किया चला जाता ये प्राणी परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार यानी वृथ के डले ढोने हैं जब सत भक्ति नहीं की तो तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु में लगेगा तो यहाँ की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहाँ कुछ भी मांगण की आवश्यकता नहीं है ये तो तुम मांग ही मत यहाँ की वस्तुएं यहाँ की तो हम वैसे दे देंगे आपको रूंगे में आवश्यकता होगी अन्य से अधिक देंगे लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको ये माया जो आपके आपको डबो दे आवश्यक अवश्य देंगे आपका कोई काम नहीं अड़क देंगे गारंटीड बात है अब क्या बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे मिल पदे समाना चल हंसा सा उस लोक पठाऊ जो आदि असथान पद मिल पदे समाना, पद समाना यह है पुनात्मा सुख संवेद और इसके एक एक अक्षर का एक विशेष गोड रहस्य है इनके अंदर इसमें लिखा पद मिल पदे समाना गीता जी अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर चार में कहा कि जब तक वो संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की पद्धति और दूसरे पद का अर्थ है जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आते उस पद में आप पहुंच जाओगे सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना पद मिलने से सही पद्धति भक्ति की मिलने से और पद समाना उस सतलोक को प्राप्त हो जाओगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना चल हंसा उस लोक पठाऊ जो आदि अमर स्थान के चल मेरे बच्चे तुझे तो वहां ले जाऊं जो आदि अमर स्थान है जहां जाने के बाद कभी लौट करनी नहीं तो आता वापस आता जहां जरा मरण नहीं है वहां किसी चीज का अभाव नहीं है और बहुत सुंदर सृष्टि है वहां की सब प्राणी एज इट इज है लेकिन वहां कुत्ते गदे सूर वाली सृष्टि नहीं है वहां मनुष्य वाली सृष्टि सदा बाहर वृक्ष है ये नकली सतलोक के गुणगाने वाले प्रकाश ही प्रकाश है भगवान वहां है ही नहीं वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता जैसे समुंदर में फिर वह टिंडे लेंगे जाक। कुछ भी कोई नहीं उससे तो यही ठीक है अपना अंडे जा धके खा अपने आत्माओं क्या बताते हैं के चर मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो अविनाशी कहते जो यहाँ की चार मुक्तियाँ हैं जिनको तुम यहाँ की अंतिम और सुखदाई मानते हो ये भी सथाई नहीं है ये भी स्वर्ग में गए मां स्वर्ग में गए समाप्त होते पुन फिर नरक में और गधे कुत्ते बन गए ये तुम्हारे हाथ नहीं रहती सदा ये चार मुक्ति ये भी नासवान है और सतलोक के अंदर गए हुए प्राणी को ये सदा उपलब्ध रहेंगी कभी नाश नहीं होता और वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा परम अक्षर ब्रह्म चार मुक्ति जा चंपी करती चार मुक्ति ये सेवा में रहेंगी आदर खड़ी रहेंगी ये सुख तुझे वहां सदा बना रहेगा इसलिए सुख सागर है वो चार मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी वो अविनाशी राम मिलेगा वहां आपको और सदा सुखी रहोगे बोलो सतगुरुदेव की जय हो आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 880541.